हेलो एवरीवन, तो आज हम लेकर आए हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज में अपने ई से बनने वाले कुछ ईडियम और फ्रेज। तो फ्रेंड, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। और आप इस चैनल पर आपकी तैयारी के लिए कोई भी समय वेस्टेज नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करिए। हमने हमारे चैनल पर कोई भी किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं है, इसलिए अपने अच्छी तैयारी के लिए आप ईडियम और फ्रेजेस यहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी लिटरेचर की भी सारी क्लासें पढ़ी हैं और साथ साथ ग्रामर की भी हैं, और जीएस की सीरीज भी नई शुरू स्टार्ट की है, क्योंकि जीएस एलटी ग्रेड जीआईसी के एग्जाम में पूछी जाती है। और अब नया जो सिलेबस आ रहा है आयोग द्वारा निर्धारित हुआ है, उसमें शायद टीजीटी पीजीटी में भी 30 क्वेश्चन जीएस के ऐड किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फ्रेज और इडियम्स। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन उनका मतलब होता है अक्सर। एवरी नाउ एंड देन अक्सर। एस्केप वंस लिप्स, एस्केप वंस लिप्स होता है बोल जाना। एस्केप नोटिस, एस्केप नोटिस होता है ध्यान ना जाना। एस्केप नोटिस ध्यान ना जाना। एल्बो रूम, एल्बो रूम होता है काम करने की स्वतंत्रता। ईट आउट, ईट आउट होता है होटल में भोजन करना। ईट आउट होटल में भोजन करना। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड होता है शब्द वापस लेना। ईट हम्बल पाई, गर्व त्यागना या विनम्र हो जाना। ईट हम्बल पाई। ईज समवन आउट, शिष्टता पूर्वक नौकरी से निकालना है। ईज समवन आउट। और अब हम देखते हैं एफ से बनने वाले इडियम और फ्रेज। फोर वांट ऑफ, फोर वांट ऑफ होता है कमी से। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड चारों ओर। फोर गुड हमेशा के लिए, फोर गुड हमेशा के लिए। फोर फियर ऑफ भय से। फार एंड नियर चारों ओर। फोर गुड हमेशा के लिए, फोर फियर ऑफ भय से। फेयर एंड स्क्वायर निष्पक्ष, फेयर एंड स्क्वायर निष्पक्ष। फेयर प्ले ईमानदारी, फेयर प्ले ईमानदारी। फोर द शेक ऑफ, फोर द शेक ऑफ के लिए। फ्रॉम हेड टू फुट ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम हेड टू फुट। फ्रॉम टाइम टू टाइम कभी कभी, फ्रॉम टाइम टू टाइम कभी कभी। फॉर द टाइम बीइंग जब तक के लिए, फॉर द टाइम बीइंग जब तक के लिए। फास्ट लिविंग विलासपूर्ण जीवन, फास्ट लिविंग मीन्स होता है विलासपूर्ण जीवन। फिश आउट ऑफ वाटर कष्टप्रद अवस्था में, फिश आउट ऑफ वाटर कष्टप्रद अवस्था में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वप्रथम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वप्रथम। फैंसी प्राइस मुंह मांगी कीमत, फैंसी प्राइस मुंह मांगी कीमत। फूल्स पैराडाइज मन के लड्डू, यानी मन में ही किसी चीज को कल्पना करना जो है तो वो कहता है फूल्स पैराडाइज यानी मन के लड्डू। फॉर नथिंग व्यर्थ में, फॉर नथिंग होता है व्यर्थ में। फार एंड अवे, फार एंड अवे बहुत अधिक। फ्यू एंड फार बिटवीन बहुत कम। फ्रॉम बैड टू वर्स बदतर। फ्रॉम डोर टू डोर द्वार द्वार जाकर। फेयर हैंड साफ लिखावट। फ्रीलांस स्वतंत्र। फ्रेंच लीव बिना सूचना के अनुपस्थित होना, फ्रेंच लीव। फेस टू फेस आमने सामने। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर
दल बदली से लाभ उठाना. फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, तहे दिल से. फेयर सेक्स, नारी जाति. फॉर गुड एंड ऑल, सदा के लिए. फॉर लॉन्ग, अधिक दिनों तक. फॉल इनटू अ रेज, को क्रुद्ध होना. फॉल शॉर्ट ऑफ, कम होना. फॉल फ्लैट ऑन, प्रभाव नहीं डालना. फॉर द पर्पस ऑफ, के लिए या के प्रयोजन से. फास्ट लिविंग, ऐश आराम की जिंदगी. फीदर्स वंस नेस्ट, अवैध तरीके से कमाई करके रखना. क्या होता है फीदर वंस नेस्ट. फेड अप विद, फेड अप तक तंग आ जाना. फेलो फीलिंग, फेलो फीलिंग होता है भाईचारा, अपनापन. फ्यू एंड फार बिटवीन, अभी हमने पहले भी पढ़ा, दोबारा रिपीट हो गया वर्ड, बहुत कम. फाइट साई ऑफ, टालना. फोर्स वंस हैंड यानी मन की बात प्रकट करने के लिए मजबूर करना. क्या होता है फोर्स वंस हैंड. फोर्टी विंग्स होता है बहुत थोड़ी देर के लिए झपकी लेना. फ्रिंज बेनिफिट्स होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ. फेयर प्ले, न्याय संगत बर्ताव. फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र. क्या कहलाता है फेयर वेदर फ्रेंड. फॉल इन विद, सहमत होना. फॉल आउट विद, झगड़ा करना. फॉल टू वंस लॉट, नसीब में होना. फॉल बिहाइंड इन, पिछड़ जाना. फॉल आ प्रे टू, ठग जाना. फॉल आ प्रे टू, ठग जाना. तो हम देखेंगे कुछ जी से बनने वाले वर्ड अपने. अब गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना. गाला डे, आनंद वाला दिन, गाला डे. गुड फॉर नथिंग, बेकार. गुड फॉर नथिंग, बेकार. गिफ्ट ऑफ द गेव, चतुराई पूर्वक प्रभा, धारा प्रभाव बोलने की शक्ति. क्या होती है गिफ्ट द ऑफ द गेव. गोल्डन मीन, गोल्डन मीन होता है मध्यम मार्ग. गुड समारिटन, गुड समारिटन दयालु व्यक्ति. गेट द बेटर ऑफ, किसी को हराना. गेट द बेटर ऑफ. गेट बाय हर्ट, जवानी याद करना. गेट बाय हर्ट. गो अ लॉन्ग वे, बहुत हद तक. गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर. गेट अहेड ऑफ, आगे निकल जाना. गेट अलोंग विद, मित्रवत रहना. गेट डाउन टू, काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना. गेट डाउन टू, काम गंभीरता पूर्वक प्रारंभ करना. गेट अवे विद, बुरा काम करके सजा से मुक्त रहना. गेट अवे विद. गेट इवन विद, बदला लेना. गेट होल्ड ऑफ, मतलब समझ पाना. गेट होल्ड ऑफ. गेट इनटू अ सूप, झंझट में पड़ना. गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स, नई परिस्थिति में घुलमिल जाना. गेट ऑन वंस नर्व्स, तंग करना. गेट ऑन विद, काम चालू करना या साथ होना. गेट आउट ऑफ, बाहर निकल जाना. गेट आउट ऑफ लाइन, अनुशासन भंग करना.
गेट द शेक नौकरी से हटाया जाना, गेट द अपर हैंड प्रमुखता प्राप्त करना, गेट थ्रो विद काम पूरा करना, गेट वाइंड ऑफ रहस्य का पता लगाना, गेट वर्ड संदेश मिलना, गिव अ ब्रेक अवसर देना, गेट अ पीस ऑफ माइंड कोसना, गेट अ पीस ऑफ माइंड क्या होता है कोसना, गिव अ रिंग टेलीफोन करना, गो थ्रू फायर एंड वाटर कोई भी खतरा मोल लेना, गो टू रेक एंड रून विनाश होना, ग्रीन रूम अभिनेता की वेशभूषा का कमरा क्या कहलाता है ग्रीन रूम, गेट ऑफ स्कॉट फ्री अदंडित भाग जाना, और हमारा लास्ट का वर्ड है गो अ लॉन्ग वे बहुत कुछ करना। तो ये हमने कुछ idiom और phrases देखे अपने जी से बनने वाले। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपने नए idiom और phrases के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।